नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेहद खास कार्यक्रम डॉक्टर टॉक में। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी को लेकर जिसकी चपेट में दुनिया भर के लोग हैं। जी हां, अगर हम दुनिया भर की बात करें तो यहां पर दुनिया में करीब 2 अरब 10 करोड़ लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत इस बीमारी में 3रे नंबर पर आ चुका है। करीब करीब 5% लोग जो हैं वो इस बीमारी की चपेट में हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मोटापे को लेकर। दुनिया भर में 1/3 लोग मोटापे का शिकार हैं। मोटापा दुनिया भर में एक गंभीर समस्या बनकर उभर रहा है। न सिर्फ वयस्कों में बल्कि बच्चों में भी मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में 42 मिलियन 5 साल के बच्चे मोटापे का शिकार हैं। दुनिया भर में हर साल 22 लाख मोटापे से ग्रस्त लोग अपनी जान खो बैठते हैं। पीडियाट्रिक ओबेसिटी नामक एक जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार भारत में साल 2025 तक मोटापे से पीड़ित बच्चों की संख्या 1.7 करोड़ तक पहुंच जाएगी। भारत मोटे बच्चों के मामले में दुनिया के 184 देशों की सूची में 2रे स्थान पर आ जाएगा, जो काफी चौंका देने वाला है। दिन प्रतिदिन मोटापे की समस्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन चिकित्सा की बढ़ती उपलब्धि ने मोटापे से आराम दिलाने के लिए तरीका ढूंढ लिया है। मोटापा आखिरकार बढ़ता क्यों है? क्या हमारी जो जीवन शैली है उसकी वजह से मोटापा बढ़ता है या कुछ और कारण है? अगर मोटापा बढ़ता है तो उसके साथ साथ क्या कुछ और बीमारियां भी बढ़ जाती हैं? बहुत सारे मन में आज सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ देश के प्रसिद्ध डॉक्टर रजत गोयल हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ओबेसिटी सर्जरी प्राइमस हॉस्पिटल दिल्ली। डॉक्टर रजत गोयल एक प्रशिक्षित मिनिमल एक्सेस और बेरियाट्रिक सर्जन हैं, जिनका एक्सपीरियंस 15 सालों का है। डॉक्टर रजत गोयल ने अपनी MBBS की पढ़ाई दिल्ली के प्रतिष्ठित मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से की एवं सर्जरी की ट्रेनिंग दिल्ली के प्रसिद्ध लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से ली। साथ ही साथ मिनिमल एक्सेस और बेरियाट्रिक सर्जन की एडवांस ट्रेनिंग ताइवान और सिंगापुर से पूरी की। साथ ही साथ डॉक्टर रजत गोयल एस्पेक्ट्स ओपन एंड लेप्रोस्कोपिक जनरल सर्जरी, बेरियाट्रिक सर्जरी एंड सिंगल पोर्ट यानी स्कारलेस सर्जरी के सभी पहलुओं में विशेषज्ञ हैं। वो 19 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों के साथ अनुसंधान में बहुत रुचि रखते हैं और 100 से अधिक प्रकाशित सारणियों और 4 अध्याय पुस्तकों में और सभी संभव फेलोशिप और सदस्यता के साथ वो फिलहाल मिनिमल एक्सेस, मेटाबॉलिक और बेरियाट्रिक सर्जरी प्राइमस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नई दिल्ली में है। डॉक्टर गोयल ने 600 से अधिक बेरियाट्रिक मामलों में सफलता हासिल की है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन सा व्यक्ति मोटा है, इसका अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं, कैसे इसको आप परिभाषित करेंगे, और अगर किसी व्यक्ति का मोटापा लगातार बढ़ता जा रहा है तो क्या उसके लिए कोई टेस्ट कराया जाएगा या कैसे, क्या कुछ कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में बुलाने का। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन आदमी मोटा है और कोई टेस्ट है इसके लिए। जी, कोई एब्सोल्यूट टेस्ट तो नहीं है, लेकिन एक हम क्राइटेरिया लेते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। देखिए, जैसे इतने सारे लोग इस धरती के ऊपर हैं, सबकी शक्ल अलग है, सबका फेस अलग है, सबके बॉडी के ऑर्गन्स अलग हैं, उस तरह से ही सबकी हाइट और वेट अलग है। ये जो हाइट और वेट है, इसको हम लेते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन आदमी अपनी हाइट के हिसाब से वेट में ज़्यादा है या वजन ज़्यादा है, उसको हम मोटापा बोलते हैं या मोटा बोलते हैं। बॉडी मास इंडेक्स को हम कैलकुलेट करने के लिए 2 पैरामीटर लेते हैं, वेट को हम kg में लेते हैं और हाइट को मीटर में लेते हैं। फिर हम वेट को हाइट की मीटर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हाइट को मीटर से हम मल्टीप्लाई करते हैं और वेट का जो kg है उसको हाइट को मीटर से हम डिवाइड करते हैं, तो एक वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। समझ लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं, एक आदमी का वजन 100 किलो है और उसकी हाइट 1.5 मीटर है या 150 सेंटीमीटर है, तो 1.5 × 1.5 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 बन जाएगा और 100 से उसको डिवाइड करेंगे तो बॉडी मास इंडेक्स आएगा 44.4। यानी कि उसका बॉडी का जो बॉडी मास इंडेक्स है हाइट के हिसाब से वेट, वो 44.4 kg बाय मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक क्राइटेरिया है कि जिन लोगों का बॉडी मास इंडेक्स 18 से 23 के बीच में होता है वो नॉर्मल है, जिनका बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम है वो अंडरवेट है, और जिसका बॉडी मास इंडेक्स 23 के ऊपर है वो ओवरवेट या ओबीज है। 23 से 27 के बीच में है तो उसको हम ओवरवेट बोलते हैं, और जिसका 27.5 के ऊपर बोलता है उसको हम ओबीज बोलते हैं।
जिनका 27.5 से 32.5 है वो ग्रेड 1 ओबेसिटी में आते हैं, 32.5 से 37 ग्रेड 2 ओबेसिटी में आते हैं, और 37.5 के ऊपर ग्रेड 3 ओबेसिटी में आते हैं या मॉर्बिड ओबेसिटी में आते हैं। तो इस तरह से हम बॉडी मास इंडेक्स से कौन मोटा है वो कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए कोई ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ घर में अपना वजन लें, अपनी हाइट लें, और इस कैलकुलेशन से आप पता लगा लें कि आपका बॉडी मास इंडेक्स क्या है। अगर बहुत एग्जैक्टली हमें पता करना है तो एक क्राइटेरिया होता है बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। उसका मतलब क्या है कि आपके बॉडी में जितना फैट होना चाहिए उससे कितना फैट ज़्यादा है। देखिए, अगर आपका 60 किलो वजन होना चाहिए और आपका 100 किलो वजन है, ज़रूरी नहीं है वो 40 किलो जो एक्स्ट्रा है वो खाली फैट ही हो, वो प्रोटीन भी ज़्यादा हो सकता है। जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनका वजन 100 किलो होगा, उनका बॉडी मास इंडेक्स भी 40 आ सकता है, लेकिन वो मोटे नहीं है। तो जो परसेंटेज एक्सेस फैट है, मतलब आपकी बॉडी में कितना फैट होना चाहिए उससे कितना फैट ज़्यादा है, उससे हमें पता लगता है कि एग्जैक्टली कौन मोटा है। समझ लीजिए 60 किलो आपका वजन है और 100 किलो आपका वेट है, उसमें आपका सिर्फ 30 किलो ही फैट ज़्यादा है, तो आइडियली आप 30 किलो ज़्यादा मोटे हैं, ना कि 40 किलो। चलिए, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश आपने हमारे तमाम दर्शकों को यहाँ पर की है डॉक्टर साहब। और टेस्ट कराना चाहिए या नहीं, ये भी जो भ्रांति यहाँ पर थी लोगों के दिमाग में, उसको भी आपने यहाँ पर दूर कर दिया है। डॉक्टर साहब, आप आए और इतनी अच्छी जानकारी हमेशा की तरह आज फिर यहाँ पर आपने दी है हमारे तमाम दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। पूरे भारत में रोज सैकड़ों लोग बेरियाट्रिक सर्जरी द्वारा अपने मोटापे का इलाज करवा रहे हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोगों के पास समय नहीं है अपने स्वास्थ्य को लेकर, वहां बेरियाट्रिक सर्जरी मोटापे से जूझ रहे लोगों के लिए एक आसान विकल्प के तौर पर सामने आ रहा है, और कई लोगों ने इस विकल्प को चुनकर अपनी जिंदगी आसान की है। मैं शादी के वक्त ठीक थी, मीन 70 के करीब मेरा वेट था, और बच्चों के होने के बाद मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ता चला गया, और उसके बाद मतलब प्रॉब्लम्स भी होने लगी, बीपी, शुगर, चलने में थोड़ा सा सांस फूल जाती थी, क्योंकि बच्चे जब तक बड़े नहीं होते तो हम ध्यान भी नहीं देते, ठीक है चल रहा है, पर थोड़े बच्चे शुरू बड़े होने शुरू हुए तो लगा कि हाँ भाई थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए। एक्चुअली स्टार्टिंग में जब वी आर नॉट मैरिड, शी वॉज वेरी स्लिम, मतलब घर में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल यही थी, क्योंकि बहुत स्लिम थी, बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनती थी। बट शादी के बाद क्या हुआ, सडनली ना जैसे जैसे दोनों बच्चे हुए तो इसने अपना वेट बहुत पुट ऑन कर लिया। इसकी वजह से हम जैसे किसी भी फैमिली फंक्शन में जाते थे तो सब लोग यही पूछते थे कि रीमा ने इतना वेट पुट ऑन कैसे कर लिया, पहले तो ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, लेकिन अब किसी भी ड्रेस में मतलब उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती जितनी पहले स्मार्ट लगती थी।